अस्सलाम वालेकुम, पैरागॉन किचन में हूँ आपके साथ और आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार सा चॉकलेट चंक केक। चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, 5 अदद अंडे, 1 कप भर के लिया है मैदा और 1/3 कप लिया है कोको पाउडर, 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी और 1/2 कप से थोड़ा ही ज़्यादा ऑयल, 1 खाने का चम्मच है बेकिंग पाउडर, 1 पिंच है मेरे पास, 1 पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने लिया है सॉल्ट और 1 पिंच है बेकिंग सोडा और 1/4 कप है मेरे पास दूध। ये हमारे केक को ज़रा मॉइस्चर देगा। आपने सबसे पहले एक पतीला लेना है और इसके अंदर रेत बिछा देना है सारे पतीले में, और रेत बिछा के उसके ऊपर एक जाली का स्टैंड रख लेना है और इसको आधे घंटे के लिए गर्म होने के लिए रख देना ऊपर ढक्कन देना। सबसे पहले मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर बटर पेपर फैला देना है और उसको भी अच्छी तरह से ग्रीस करके रख देना है साइड पे। सबसे पहले अंडे डालेंगे हम ब्लेंडर के अंदर, 5 अंडे, 1/4 कप दो से तीन मिनट चलाने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल 2 से 3 मिनट चलाने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। और इसको फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेंगे और फिर चलाएंगे, फिर स्टॉप करेंगे और फिर चलाएंगे, 5 मिनट तक इसको मसलसल चलाएंगे। पाँच मिनट के लिए इसको चलाया हूँ, उसके बाद फिर अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सॉल्ट और वनीला एसेंस डालेंगे। मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स पे नहीं दिखाया था, 1 टीस्पून भर के मैं डालूंगी इसमें वनीला एसेंस। और फिर इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बीटर का ब्लेंडर का काम हमारा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा ब्लेंड होके इसे टेक्सचर तैयार हुआ है। हमारा टेक्सचर बिल्कुल रेडी है और ब्लेंडर से निकाल, जग से निकालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँ ये 1/4 दूध। अच्छा जी, इसको थोड़ी देर इसको अच्छा सा इस तरह हिला लेंगे और अब हम रेडी करेंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब मैं डालूँगी 1 बाउल लेना और उसके अंदर डालेंगे 1 कप मैदा, ये लिया है 1/3 कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अब इनको हैंड बीटर की मदद से अच्छा सा मिक्स करेंगे, ये बिल्कुल यकजान हो जाए, इतना अच्छा मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अब हम मिक्स करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स के अंदर, थोड़ा थोड़ा करके मैं ये सारा डालती जाऊंगी और बहुत ढीले हाथों के साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है, सॉफ्ट हाथों के साथ। थोड़ा थोड़ा डालते चले जाएं और ढीले हाथों के साथ, बहुत सॉफ्ट हाथों के साथ इसको फोल्ड करते चले जाएं। ढीले ढीले हाथों से इसको मिक्स करते चले जाएं। टेक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है, अब हम इसको मोल्ड में डालेंगे।
ऐसे सारा के सारा हमने मोल्ड में डाल दिए। पतीला हमारा बहुत अच्छा सा प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको उठाऊंगी ढक्कन और इसके अंदर रखेंगे इस मोल्ड को। तकरीबन 45 मिनट के अंदर ये हमारा बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। शुरू में मैं इसको रखूंगी थोड़ा सा मीडियम टू फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई करेंगे, मीडियम पे रखेंगे और 5 मिनट तक वो मीडियम पे ही रहेगा। उसके बाद मैं उसको लो कर दूंगी। ये देखें 45 मिनट के अंदर हमारा केक कितना अच्छा बेक हो चुका है और इसने पूरी तरह किनारे छोड़ दिए हैं। अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। ये देखें कितना अच्छा हमारा केक बेक हो चुका है। ये देखें सारा हम इसके ऊपर से उतार लेंगे और अब मैं इसके स्लाइसेस काटूंगी। इसको 3 पीसेस में मैं इसको काट लूंगी और फिर उसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे। ये देखिए केक को मैंने 3 हिस्सों में काट लिया है और अब मैं इसके लिए इसको सॉफ्ट रखने के लिए इसके अंदर इसको स्पंजी रखने के लिए हम सॉस रेडी करेंगे। पहले फ्लेम ऑन करेंगे और हम पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। बटर को मेल्ट करेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोको पाउडर, 2 टेबलस्पून चीनी और 1/3 कप जो है वो कोको पाउडर और साथ इसमें ऐड करेंगे हम ये दूध। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक से दो बार इसमें बॉईल आएगा और हम फ्लेम को फिर ऑफ कर देंगे और इसके अंदर 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे। अब इसमें बबलिंग स्टार्ट हो गई है। 1/2 टीस्पून इसमें वेनिला एसेंस डाला। फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। एक से दो बार बॉईल करेंगे, बॉईल इसमें आएंगे और हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारी सॉस अब बिल्कुल रेडी है। अब हमने तैयार करनी है केक की फ्रॉस्टिंग। उसके लिए मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम। अब मैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करूंगी बीटर की मदद से और इसके अंदर मैंने क्या ऐड करना है। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून ये शुगर और हम अब इसको बीटर की मदद से इसको व्हिप करेंगे।
बीटर की बीटर से बीट करती रहूँगी जब तक कि ये थिक ना हो जाए, और इतनी थिक हो जाए कि हमारे ये ऐसे इस बीटर के हैंडल के साथ बिल्कुल लग जाए और नीचे ना गिरे। इतनी थिक होनी चाहिए ये। तकरीबन 5 मिनट आपको इसको बीट करना पड़ेगा। व्हिपिंग क्रीम हमारी तकरीबन व्हिप हो चुकी है। इसको अभी सिर्फ 1 से 2 मिनट मैंने और बीट करना है और फिर उसके बाद इसको रख देना है फ्रीज़र में 5 मिनट के लिए, और फिर मैं इसको केक के ऊपर अप्लाई करूँगी। इस वक्त मैं इसमें डालूँगी, तकरीबन मेरी बिल्कुल व्हिप हो चुकी है, बस 1 से 2 मिनट में इसको और व्हिप करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसको और बीट करूँगी और फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे। सबसे बॉटम लेयर को मैंने सबसे नीचे रखा है। सबसे पहले मैं इसके ऊपर लगाऊँगी सॉस जो हमने बनाई है, इसको अच्छी तरह से केक के ऊपर फैला देंगे। इस केक की जगह अगर आप दूध भी डाल दें इस जगह इस स्टेज में तो उससे भी आपका केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है, लेकिन इससे इसका टेस्ट ज़रा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लगाएंगे इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम। और मैं इसके अब डालूंगी, मैंने ये चॉकलेट के चंक लिए हैं मोटे मोटे, डार्क चॉकलेट ली थी उसको मोटा मोटा काट लिया, और इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे। अब हम रखेंगे इसके ऊपर सेकंड लेयर को। अब हम अपनी सबसे केक की टॉप वाली लेयर को इस रूप से मैं ऐसे रखूंगी। अब इसके ऊपर डालेंगे सॉस, लगेगी इसके ऊपर ये चॉकलेट। उसी स्टेप को हम दोबारा से दोहराएंगे। इसके ऊपर ये चंक डालेंगे चॉकलेट के, और अब मैं इसके ऊपर रखूंगी सबसे लास्ट वाली लेयर को। इसको ज़रा प्रेस करेंगे और फिर अब इसके ऊपर सॉस को थोड़ा सा फैलाएंगे। ये हमारी टॉप लेयर है, इसको हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इसमें लगाएंगे। ऊपर लगाने के बाद इसके बाद मैं साइडों की फिलिंग करूँगी। अब ये केक की साइड्स की फिलिंग होंगी। जितनी ये फिलिंग जगह खाली है इसको अच्छी तरह से क्रीम के साथ फिल करेंगे और फिर इसकी फिनिशिंग फाइनल लेके आएंगे। अब हम केक की फाइनल फिनिशिंग लेके आएंगे। अच्छी तरह से ऊपर वाले टॉप लेयर के ऊपर क्रीम अप्लाई करेंगे और इसकी फाइनल फिनिशिंग लेके आएंगे। अब इसकी बारी आई है थोड़ी सी डेकोरेशन की। अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे।
ये मैंने कोन लिया और कोन के अंदर व्हिपिंग क्रीम को, कोन को ग्लास के ऊपर रखा और इसके अंदर सारी व्हिपिंग क्रीम फिल कर ली है। और अब इससे हम इसकी डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले सेंटर में ये थोड़े से चंक डालेंगे चॉकलेट। और फिर इसकी मदद से मैं थोड़ी सी सॉस ये वही सॉस है जो मैंने केक के अंदर फैलाई थी इसको मॉइस्ट करने के लिए, इसको मैंने बोतल में फिल किया है इस तरह से। इसको मैंने बोतल में फिल किया और उसके साथ साइडों पे और मैंने फैला दिया। और अब हम थोड़े से बनाएंगे इसके गिर्द फ्लावर्स। मज़ेदार सा चॉकलेट चंक केक है तैयार। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। के अल्लाह हाफिज़।